आइए आज की इस वक्त की बड़ी और अहम खबरों पर नजर डालते हैं। हरियाणा में सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। हरियाणा बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया। शाह ने कहा कि अगला विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नवाब सैनी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल लाया गया। एक्साइज पॉलिसी के मामले से जुड़े एक सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। उन्होंने पीएम मोदी को लेकर कहा कि जनता ने नरेंद्र मोदी के शासन के कामकाज को और शैली को दोनों को ही नकार दिया है। पीएम मोदी ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे कुछ बदला नहीं है। प्रयागराज में ओवैसी और पल्लवी पटेल के गठबंधन वाले मोर्चे की बैठक हुई। इस दौरान ऐलान हुआ कि प्रदेश में विधानसभा की सभी 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ेंगे। देश की जांच एजेंसी मोदी साहब की प्राइवेट एजेंसी बन गई है। संजय राउत का बड़ा बयान। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन को जमानत मिलने पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि ईडी सीबीआई ने 10 सालों में जितने भी राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार किया है उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। मैं इसका उदाहरण हूँ। अनिल देशमुख के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। केजरीवाल जी को पकड़ा और कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आप उन्हें परेशान कर रहे हैं। हेमंत सोरेन के बारे में भी यही कहा। इस देश की जांच एजेंसी मोदी साहब की प्राइवेट एजेंसी बन गई है। हेमंत सोरेन बेकसूर थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने करीबी नेता संजय झा को फिर सौंपी बड़े जिम्मेदारी। जेडीयू की कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए संजय झा। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। संजय झा को जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव खुद नीतीश कुमार ने दिया, जिसके बाद सर्वसम्मति से उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का सीएम योगी को लेटर। दलितों को नौकरियों में योग नहीं कहकर रोका जा रहा है, इससे आक्रोश बढ़ रहा है। लद्दाख में टैंक युद्ध अभ्यास के दौरान एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर समेत सेना के 5 जवान शहीद हो गए। राजनाथ सिंह समेत तमाम नेताओं ने जताया शोक। कभी भी पूर्व प्रधानमंत्री ने हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया था। लालू प्रसाद यादव ने इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में देश में लगाए गए आपातकाल को लेकर अपनी राय रखी। देश में पहली बार पशुओं के लिए चल रहा है मुफ्त टीकाकरण अभियान। 50 करोड़ से ज्यादा पशुओं का हुआ टीकाकरण। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन के सीएम फेस पर शरद पवार का बड़ा बयान। कहा कोई व्यक्ति सीएम का चेहरा नहीं होगा। आम आदमी पार्टी के मंत्रियों और सीएम को फर्जी केसों में फंसाकर जेल भेजना भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र। आप नेता तथा दिल्ली कैबिनेट मंत्री गोपाल राय बोले। विपक्ष का कोई विजन नहीं है। हरियाणा में तीसरी बार बनेगी बीजेपी की सरकार, बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अक्टूबर में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाला है। हरियाणा के योगदान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भी हरियाणा में मोदी सरकार पर विश्वास जताया है और उम्मीद है कि हरियाणा में तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार बनेगी। न्यायपालिका को बिल्कुल निष्पक्ष और ईमानदार होना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान। संसद में चर्चा से भागना चाहती है कांग्रेस। नीट पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान ने लगाया बड़ा आरोप। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी को लगा बड़ा झटका। चौधरी बिजेंद्र सिंह ने बसपा का दामन छोड़ दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में बिजनौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी रहे चौधरी बिजेंद्र सिंह के इस्तीफे देने से राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सूत्रों का दावा है कि बहुजन समाजवादी पार्टी का एक धड़ा चौधरी बिजेंद्र सिंह को मीरापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाने की वकालत कर रहा था। ये पूछे जाने पर कि चौधरी बिजेंद्र सिंह का अगला कदम क्या होगा, बहुजन समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता ने कहा कि बहन जी का हमेशा आभारी रहूंगा, समर्थकों से बातचीत कर अलग कदम उठाऊंगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित, सुगम और सुगत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि हर संभव व्यवस्था कर रही है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की असुविधा का सामना करना ना पड़े। बिहार में पिछले 9 दिनों में 5 पुल गिर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार में पहली बार पुल गिरा है, पहले भी गिरते आ रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते आ रहे हैं। अधिकारी और इंजीनियर भी सस्पेंड होते आ रहे हैं, लेकिन इस बार धड़ाधड़ पुल गिर रहे हैं। कारण क्या है, इस पर जांच तो चल रही है, लेकिन पुल गिराने को लेकर अब तक अजीबोगरीब तर्क आने लगे हैं। बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार की सरकार में सालों सहयोगी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि पुल गिरने में उन्हें साजिश नजर आ रही है, कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीबी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। इससे पहले ममता बनर्जी ने राज्य सचिवालय
में एक संवाददाता सम्मेलन में टिप्पणी की थी कि महिलाएं राजभवन कोलकाता जाने से डरती हैं। मुकदमा दायर करने से पहले राजपाल बोस ने इन टिप्पणियों के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की और कहा कि जनप्रतिनिधियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे गलत और निंदनीय धारणाएं पैदा ना करें। मुकदमा दायर होने के बाद भाजपा और मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी भी राजपाल के समर्थन में आ गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि जो ड्रग्स सप्लायर हैं स्कूल कॉलेज और विभिन्न क्षेत्रों में जहां ड्रग्स बेचा जाता है उन सभी जगहों पर कार्रवाई करने को कहा गया है। जो हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद करने के लिए गुनाहगार हैं उन्हें बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें जेल में डाला जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ पुणे में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में ये ड्रग्स जहाँ जहाँ है वहाँ पर ड्रग्स मुक्त करा देंगे। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्रियों की बैठक, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन जारी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्वनी वैष्णव ने इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए शनिवार को भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। पार्टी के एक नेता ने ये जानकारी दी है। राज्य विधानसभा चुनाव के लिए यादव और वैष्णव को क्रमशः प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए जाने के बाद ये पहली बार ऐसी बैठक हुई है। बैठक में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले, पार्टी की मुंबई इकाई के अध्यक्ष आशीष सैलार और राज के करीब 30 प्रमुख नेता शामिल हुए। सैलार ने कहा कि विधानसभा चुनाव जीतने के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम अपने सहयोगियों के साथ विधानसभा चुनाव जीतेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं। प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा श्री राधा रानी पर अमर्यादित टिप्पणी के मामले में तूल पकड़ा तो प्रदीप मिश्रा अचानक बरसाना के राधा रानी मंदिर पहुंचे। प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी की चौखट पर दंडवत प्रणाम कर क्षमा याचना मांगी। प्रदीप मिश्रा के आगमन को लेकर बरसाना के मंदिर में सुरक्षा बढ़ाई गई। साधु संत और ब्रजवासियों ने आंदोलन में सहयोग के लिए सभी का आभार जताया और मौके पर साधु संत, ब्रजवासी और श्रद्धालु मौजूद रहे। अयोध्या राम पर धसने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 इंजीनियरों को किया निलंबित। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम पथ में हुए भ्रष्टाचार पर कड़ा एक्शन लेते हुए 6 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही पूरे मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव उपचुनाव के लिए सिंगोड़ी पहुंचे। उन्होंने कहा कि यहां पर सभी एक बार फिर से विकास के साथ चलना चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि चुनाव जब भी हो तो सरकार के साथ चलना चाहिए। उपचुनाव में जिस प्रकार बीजेपी पर विश्वास व्यक्त किया है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हमारे उम्मीदवार कमलेश साहब प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। निश्चित रूप से बीजेपी जीतेगी। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में उतरे कश्मीरी सांसद रूहुल्लाह मेहंदी बोले, अगर जय फिलिस्तीन बोलना गुनाह है तो मैं भी बोलता हूँ फिलिस्तीन जिंदाबाद। गाजा में इसराइल की विध्वंसक एयर स्ट्राइक, भयंकर बमबारी में तबाह हमास के ठिकाने। आइए एक नज़र डालते हैं खेल जगत पर। भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हराकर दूसरी बार खिताब पर कब्जा जमाया। बारबाडोस में खेले गए फाइनल मैच में एक समय टीम इंडिया हारती दिख रही थी, लेकिन हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और हर्षदीप की बॉलिंग ने टीम इंडिया को जीत दिलवा दी। वहीं इस मैच में विराट कोहली मैन ऑफ द मैच रहे। इसके साथ ही उन्होंने T20 फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की। उसके बाद रोहित शर्मा ने भी T20 फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप AK सोच न्यूज के साथ जुड़े रहिए।